मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा शॉपलिफ्टर्स, डायरेक्टर है हीरो काजू कोरिटा और आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। एक 8-9 साल का बच्चा ग्रॉसरी शॉप में घुसा, उसके साथ एक आदमी भी है। फिर वो बच्चा उस आदमी की तरफ देखकर इंतजार करने लगा। आदमी ने एक नज़र पूरी जगह दौड़ाई, फिर उसके इशारा करते ही वो बच्चा अपने स्कूल बैग में सामान भरने लगा। दरअसल वो चोरी कर रहे हैं। बच्चे का नाम शोता है और आदमी का नाम ओसामू। ओसामू का कहना है, कोई चीज़ जब तक दुकान में है तब तक उस पर किसी का हक नहीं, तो हम उसे चुरा सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। कई बार दोनों ने रास्ते पे पड़े कूड़ेदान के पास खाना चुनते हुए एक 5 साल की बच्ची को देखा है। आज भी वो वहीं है। ओसामू को पता है उसका घर यही पास में है। उसने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्ची सिर्फ उसे देख रही, शायद भूख लगी होगी उसे, ठंड भी लग रही होगी। उसे बच्ची पे दया आ गई और वो घर ले आया। घर पे ओसामू, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, और शोता के अलावा बीवी नोबुयू, जो लॉन्ड्री सर्विस में काम करती है, एक बूढ़ी दादी जिसके पेंशन से इस घर का अधिकतर खर्च चलता है, और उनकी 15-16 साल की पोती आकी रहती है, जो नाइट क्लब में काम करती है। जब उस बच्ची से नाम पूछा, उसने तोतलाकर यूरी कहा। दादी ने देखा कि यूरी के शरीर में कुछ निशान है, मारने के निशान। तभी नोबुयू बोली, ये पुलिस केस बन सकता है, अच्छा होगा खाने के बाद इसे घर छोड़ाए। नोबुयू और ओसामू यूरी को पीठ में लादे उसके घर के सामने पहुंचे। अंदर से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही। दोनों में से किसी को भी बच्चा नहीं चाहिए था, ये उनके गले में बंधी मजबूरी है। उनका मन नहीं माना और उसे दोबारा साथ ले आए। रात में नन्ही यूरी ने बिस्तर पे टॉयलेट कर दिया। नोबुयू उसके कपड़े बदल रही। ओसामू फ्लास्क और कुछ सामान लेकर काम पे निकल गया। नोबुयू भी अपने समय पर काम पर चली गई। घर पे बस दोनों बच्चे और दादी है। तभी एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर आया। शोता को पता है क्या करना है। वो पीछे के दरवाजे से यूरी को लेकर चुपचाप निकल गया, क्योंकि किसी को नहीं पता कि दादी के अलावा इस घर में 5 और लोग रहते हैं। आदमी बोला, कब तक यहाँ अकेली रहेंगी? कल परसों कुछ हो गया तो कौन आपको यहाँ देखेगा? इससे अच्छा आप अपने बेटे के पास चली जाएं। दरअसल वो यहाँ से ये घर हटाकर एक 4 माले का फ्लैट खड़ा करना चाहता है, पर दादी कहीं नहीं जाना चाहती। इस घर में उनके गुजरे पति की यादें हैं। इधर शोता बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हुए देख रहा। स्कूल सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो घर पे नहीं पढ़ते, ऐसा उसे ओसामू ने कहा है, क्योंकि वो उसे कभी स्कूल नहीं भेज सकता। शोता को किताबें पढ़ने का शौक है। जो कुछ भी उसे पढ़ने को मिल पाता वो वही पढ़ता। यूरी पूरा दिन शोता के पीछे पीछे चलती, उसी के ही साथ रहती। ऐसे ही एक दिन उसने शोता को छोटी मोटी चीज़ें चुराते हुए देखा। अब दादी ने एक घरेलू नुस्खा आजमाया। यूरी को वो नमक चटा रही ताकि बिस्तर गीला ना करे। तभी एक आदमी ओसामू को सहारा देते हुए घर आया। कंस्ट्रक्शन साइट पे उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब कुछ दिन तक वो काम पे नहीं जा सकेगा। सभी परेशान तो है, लेकिन इस बीच भी उन्होंने यूरी को छुपा दिया। किसी ने उसे देख लिया तो उन पे अपहरण का इल्ज़ाम लग सकता है। यहाँ महीने के आखिर में दादी की पोती उन्हें पेंशन दिलाने ले जाती है। ओसामू के घर बैठ जाने के साथ साथ इधर नोबियों की भी शिफ्ट टाइमिंग और पगार आधी कर दी गई है, क्योंकि स्टाफ ज़्यादा हो गए हैं। पैसे को लेकर तंगी लगातार ही इस घर का हिस्सा है। घर का खर्च निकालने के लिए ओसामू दोनों बच्चों को लेकर एक स्टेशनरी शॉप पहुंचा। ओसामू ने वहां के कैशियर को बातों में उलझा कर रखा और पीछे से यूरी की मदद से शोता महंगी बिकने वाली फिशिंग रॉड लेकर भागा। पर शोता को अच्छा नहीं लगा कि यूरी भी अब उनके साथ शामिल हो गई। पहले तो सिर्फ वो और ओसामू साथ ये चोरियां किया करते थे। ओसामू बोला, अब यूरी तुम्हारी बहन है और इस गैंग का हिस्सा भी। शोता वहां से भाग गया। अब रात को घर में अनबन होने लगी।
ओसामू का काम ठप पड़ने के बाद से घर में थोड़ी तंगी हो गई, क्योंकि वो लोग दादी के घर पे रहते हैं। नोबियों की भी पगार कम कर दी गई है। ऊपर से आके ने कह दिया, तुम लोग तो दादी के पेंशन पर जी रहे हो। इसी अनबन के बीच जब नोबियो यूरी को ढूंढने गई, वो बाहर बैठी श्वेता का इंतजार कर रही है, जो अभी तक नाराज है और घर नहीं आया। माँ बाप ने कभी उसकी परवाह नहीं की, लेकिन वो छोटी सी बच्ची जानती है परवाह करना क्या होता है। ओसामू को वो ढूंढता हुआ उसी जगह मिला जहां उसे उम्मीद थी। ओसामू ने समझाया कि यूरी अब इस घर का उतना ही हिस्सा है जितना कि तुम। श्वेता ने बात मान ली, अब से वो उसे बहन कहेगा। लेकिन जब ओसामू ने उसे पापा कहने को कहा, श्वेता ने मुंह फेर लिया, कहा, किसी और दिन। यहां हमें ये समझ आता है कि श्वेता से उसका खून का रिश्ता नहीं है। एक शाम टीवी पे चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर की तरफ से एक 5 साल के बच्चे के पिछले 2 महीने पहले लापता होने की खबर आ रही है, जिसके बारे में बच्चे के माँ बाप ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं की। माना जा रहा है कि शायद उन्होंने ही बच्चे को मार दिया है। खबर सुनते ही घर में सबके होश उड़ गए। कोई कह रहा है वापस भेज दो, कोई बच्ची से पूछ रहा है, मगर नोबियो ने उसे यही रखने का फैसला किया। सभी बच्चे से लगाव महसूस करते हैं और यूरी भी सबके बीच इतना रम गई है कि वो भी नहीं जाना चाहती। फिर उन्होंने उसका पूरा हुलिया बदला, बाल छोटे कर दिए और नाम यूरी से बदलकर लिन रख दिया। अब वो कहीं नहीं जाएगी। अगले दिन उन्होंने लिन के लिए शॉपिंग मॉल से ढेर सारे कपड़े चुरा कर लाए, उसके पुराने कपड़े जला दिए। नोबियो को यूरी से एक अनकही हमदर्दी है। दोनों के शरीर पे अपनों से मिले घाव के निशान एक जैसे हैं। शायद नोबियो उसे बचाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो यूरी के साथ भी हो। इधर नोबियो की कंपनी घाटे पे चल रही है, इसीलिए बॉस ने सीनियर स्टाफ उसे और उसकी अच्छी दोस्त को बुलाया है। दोनों आपसी समझौता कर ले कि कौन यहाँ रहेगा, क्योंकि कंपनी दोनों को नहीं रख सकेगी। इससे पहले कि नोबियो कुछ कहती, उसकी दोस्त ने धमकी दी, मैंने न्यूज़ में उस बच्ची को देखा है जो तुम्हारे घर में रहती है। नोबियो खुद नौकरी से निकल गई ताकि यूरी को वापस अपने माँ बाप के पास ना जाना पड़े। अब यहाँ दादी अपनी पोती के घर गई है। वो लगभग हर दूसरे महीने यहाँ आती है। आगे के पिता की माँ दादी के पति की दूसरी बीवी थी। आगे की बहन साइका अब भी उनके साथ रहती है। उनका कहना है कि आगे ऑस्ट्रेलिया में रहती है और शायद ही कभी उन्हें याद करती होगी, लेकिन वो तो यहाँ दादी के साथ रहती है। खैर, जब भी वो आती, आगे के पिता उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे ढेर सारे पैसे देता। नोट गिनते हुए दादी वहां से निकल गई। नौकरी नहीं रही, नोबियो और ओसामा दोनों ही घर पे अकेले हैं। पहली बार उन्हें करीब आने का मौका मिला। इसका मतलब दोनों पति पत्नी नहीं हैं, मगर इतने समय से साथ रहने से एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि इस घर में रह रहे जितने भी लोग हैं, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है, सब किसी न किसी मोड़ पे जुड़े हैं। उस रात सबने मिलकर आतिशबाजी देखी घर के छोटे से कोने से, जहां उनका छोटा सा आसमान है। दादी को अपने पति के साथ गुजारे वो पुराने दिन याद आ गए। कुछ दिन बाद पूरा परिवार समंदर किनारे पूरा दिन बिताते हैं। उसी रात दादी चल बसी। इतना तो कह सकते हैं कि उनके आखिरी के दिन पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए गुजरे। सबको उनके जाने का दुख है, मगर यहाँ दिमाग से काम लेना ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी दस्तावेज के मुताबिक वो यहाँ अकेली रहती है और उनके मरने के बाद ये घर किसी और परिवार को दे दिया जाएगा और तब उनके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। नोबियो ने ओसामा को समझाया, अगर चाहते हो कि सर पे ये छत बनी रहे और उनकी पेंशन आती रहे, तो उनकी मौत को छुपाना होगा, तो उनकी मौत को छुपाना होगा। उनकी लाश का घर के बाथरूम के नीचे ही कब्र बना दिया गया। ओसामू ने श्वेता से कहा,
ये हमारे बीच राज है कि दादी कभी थी ही नहीं। हम 6 नहीं, सिर्फ 5 लोग हैं। ओसामो ने नोबियो से कहा, ये दूसरी लाश है जो हमने ठिकाने लगाई है। वो बोली, पहली वाली की बात कुछ और थी। ओसामो बोला, पता नहीं, कल जब मैं मर जाऊं तो मुझे भी इसी तरह ठिकाने लगा देना। नोबियो एकदम खामोशी से खड़ी है। ओसामो हमेशा कहता है कि दुकानों में पड़ा सामान किसी का नहीं होता, तो उसे लेना चोरी नहीं कहेंगे, और ये बात श्रोता मानता भी है। पर आज जब ओसामा ने उसके सामने एक गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखा बैग चोरी किया, श्रोता उसका साथ नहीं दे पाया। वो हैरानी से दूर से उसे खड़ा देख रहा है। अब एक दिन रास्ते में यूरी को भूख लग गई। श्रोता ने उसे एक दुकान के बाहर रुकने को कहा और अंदर जाकर वो कुछ सामान उठाने लगा, पर वो भी पीछे पीछे आ गई और श्रोता के मना करने से पहले ही वो चीज़ें चुरा कर फ्रॉक में भरने लगी। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। वो पकड़ी जाएगी इस डर से श्रोता ने जानबूझकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ सामान गिराया और एक सामान उठाकर वहां से भागा। दो लोग उसके पीछे भागे। कुछ दूर जाकर खुद को बीच में फंसा देख वो ब्रिज से नीचे कूदा और उसका पैर टूट गया। जब ओसामो और नोबियो उसे देखने हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पुलिस मौजूद है। वो उन्हें श्रोता का माँ बाप समझ कर पूछताछ करने लगा। घर पे छोटा बच्चा है और इंश्योरेंस कार्ड भी घर पे छूट गया है कहकर वो दोनों वहां से किसी तरह निकले। अब पूरा परिवार उसी वक्त उस घर को और साथ श्रोता को भी छोड़कर हमेशा के लिए गायब होने की फिराक में भागने के लिए निकले कि तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब बारी बारी सबसे पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले छोटी यूरी से, उसे जैसा सिखाया गया उसने वैसा ही बोला कि उसके घर पे सिर्फ 5 लोग रहते हैं। जब श्रोता से उसके परिवार के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, वो अकेले एक पुरानी गाड़ी में रहता है, उसका कोई नहीं। लेकिन जब उसे बताया गया कि वो जिन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है वो उसे छोड़कर भाग रहे थे, वो हैरानी से देखने लगा। यहाँ आकी को बताया गया कि उनके साथ जो आदमी रह रहा है उसका नाम इनोको श्रोता है और नोबियो का नाम तनाबे यूको है। दोनों ने मिलकर तनाबे के पति को मारा और फिर घर में ही दफना दिया। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आकी को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा कि वो दो कातिलों के साथ इतने दिनों से रह रही थी। जब नोबियो यानी असली तनाबे यूको से पूछा गया, उसने कहा, मेरे पति को मारना ज़रूरी था, नहीं तो वो हमें मार देता। वो मुझ पर बहुत जुल्म करता था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जब ओसामो यानी इनोको श्रोता से पूछा गया कि उन्हें यूरी कहाँ मिली, उसने सब सच बता दिया। लेकिन जाहिर है कि कानून की नज़र में उन्होंने जुर्म किया है। यहाँ यूरी के माता पिता दुनिया की नज़रों में अच्छे सच कर यूरी को वापस ले गए। लेकिन किसी ने उस बच्ची से पूछा भी कि क्या वो उनके साथ जाना चाहती भी है। अब आकी को ये भी पता चला कि दादी को उसके माँ बाप से पैसे मिलते थे उसे साथ रखने के लिए, जिसके बाद वो टूट गई और उसने घर में दादी के दफन लाश के बारे में बता दिया। पुलिस और न्यूज़ चैनल का जमावड़ा घर के सामने है। खबर है कि कई दिनों से लापता इस घर के ओनर शिबाता हात्सुए यानी दादी की लाश घर से बरामद हुई है। उनके साथ रह रहे सभी लोगों पे हत्या का आरोप लगा है, जो अभी तक सामने नहीं आया है कि ये लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं। अब इनोकी श्रोता से पूछा गया कि क्या उसने बच्चों से भी चोरियां करवाई है। वो बोला, इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं जो मैं उन्हें सिखाता। फिर पुलिस बोली, लेकिन तुमने उस बच्चे को अपना नाम क्यों दिया? इसका कोई जवाब वो नहीं दे पाया। वो नहीं कह पाया कि वो उसका बाप बनने के लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी बनना चाहता था। इधर नोबियो ने पूरा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। दादी के आखिरी वक्त में हम ही उनके परिवार के तौर पर खड़े थे, उन्हें छुपाकर दफन भी किया ताकि सर से
ये घर ना छूट जाए। ये सारी गलती मेरी है। ऐसा करके उसने ओसामू को इन सब से दूर रखा, क्योंकि उसका पहले से पुलिस रिकॉर्ड में नाम है। अगर वो अंदर गया तो जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा। इतना तो सिर्फ एक प्यार करने वाला ही सोच सकता है। उस पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उसने दोनों बच्चों को किडनैप किया। पर वो ये नहीं बता पाई कि उसने यूरी को किस तकलीफ, किस चोट से बचाने के लिए अपने पास रखा था। यूरी अपने असली माँ बाप के पास है, लेकिन उसे नोबुयू और ओसामू जैसा प्यार करने वाला अब कोई नहीं। उसके साथ वही सिलसिला शुरू हो गया। पिछली रात उसके माँ बाप के बीच फिर मारपीट हुई और वो एक कोने में सिमट कर बैठी थी। एक दिन आकी दादी के उसी घर के दहलीज पे खड़ी है। बिना इंसानों के ये घर बिल्कुल वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था, जैसे ये घर भी उन लोगों को याद कर रहा है। चिल्ड्रन वेलफेयर ने श्वेता की जिम्मेदारी ले ली, उसे बच्चों के रहने की जगह भेजा जाएगा जहां उसकी तरह और भी बच्चे होंगे, उसे स्कूल भी पढ़ने भेजेंगे। फिर श्वेता ने पूछा, लेकिन स्कूल तो सिर्फ वही बच्चे जाते हैं ना जो घर पे नहीं पढ़ते, पर मैं तो घर पे पढ़ता हूँ। ऑफिसर ने उसकी मासूमियत देखते हुए कहा, हम स्कूल में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे नए दोस्त बनाना। कुछ महीने बाद श्वेता एक दिन स्कूल से भागकर ओसामू से मिलने आया। ओसामू ने इससे पहले महसूस नहीं किया था कि श्वेता बड़ा हो चुका है। अब वो 4 साल का नहीं रहा जिसे वो कहीं से उठा लाए थे। इतने कम समय में उसने वहाँ रहकर कितना कुछ सीख लिया है। पढ़ाई के साथ साथ बास्केटबॉल भी खेलता है। ओसामू का कद अचानक छोटा हो गया। सिर पे छत और 2 वक्त के खाने के अलावा वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उस दिन दोनों नोबियों से मिलने जेल गए। श्वेता शर्मिंदा है उस दिन पकड़े जाने से, नहीं तो आज सब साथ होते। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम चाहते हैं, और हमने कभी इसे तुम्हारी गलती नहीं समझा। फिर नोबियो बोली, तुम हमें 4 साल की उम्र में पाचिंको पार्लर के सामने एक लाल रंग के टोयोटा गाड़ी में मिले। नंबर प्लेट नारसिनो की थी। अगर तुम चाहते हो तो अब भी अपने असली माँ बाप को ढूंढ सकते हो। ओसामू ने मना करने की कोशिश की, पर नोबियो बोली, देर ही सही मगर यही सही है। भारी आंखों और मन से उसने दोनों को देखा और मुस्कुराया। फिर समय खत्म होने से पहले ही वहां से उठकर अंदर चली गई। श्वेता का वो अब सामना नहीं कर सकेगी। उस रात श्वेता ओसामू के साथ रहा। दोनों ने साथ खाया, नहाया और बर्फ पे पुराने दिनों की तरह स्नोमैन बनाया। दोनों साथ लेटे हैं। फिर श्वेता ने पूछा, उस दिन क्या सच में मुझे छोड़कर भाग रहे थे? ओसामू चुप है। फिर उसने कहा, हाँ। और दोनों ही खामोश हो गए। सुबह की धूप में रात का स्नोमैन पिघल रहा है। दोनों बस स्टैंड पे खड़े हैं। ओसामू ने कहा, स्कूल वालों से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना तुम्हें कल रात यहाँ रखने के लिए। श्वेता ने सर हिलाया। बस आई और श्वेता उसे बिना बाय कहे अंदर चला गया। उसे पता है कि ओसामू बस के पीछे दौड़ रहा है, जब तक कि वो उसे दिख सके देखना चाहता है। बस थोड़ी दूर निकल गई। ओसामू पीछे कहीं छूट गया। श्वेता ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, डैड। अंत में अकेली खेल रही यूरी नोबियो की सिखाई कविता गुनगुना रही है। 1 2 पकल मशू 3 4 शट। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।